Hello friends, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce. ये वीडियो मेरे पहले के कुछ वीडियो से डिफरेंट होने वाला है क्योंकि दिस वीडियो इज अंडर अ डिफरेंट इनिशिएटिव व्हिच इज कॉल्ड एज वीकली समाचार. तो वीकली समाचार मैंने एक इनिशिएटिव लिया है ताकि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट को इनकल्केट कर सके हमारे डेली रूटीन के अंदर. देखो, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के आ जाने की वजह से और एप्लीकेशन सच एज इनशॉट्स वगैरह वगैरह से लोगों का न्यूज़पेपर को हमने रिप्लेस कर दिया इन सारी एप्लीकेशंस को लेकर के. मैं ये नहीं कह रही कि तुम ये एप्लीकेशंस नहीं पढ़ सकते या उससे न्यूज नहीं देख सकते हो. डेफिनेटली वो कर सकते हो पर वो एक सप्लीमेंट की तरह तुम यूज कर सकते हो. बट न्यूज पेपर आई फील आर इरिप्लेसेबल. तो बस उसी चीज को प्रमोट करने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लाया है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं. हम हर वीकेंड पर एक वीडियो डालेंगे जिसके अंदर प्रीसीडिंग वीक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आई है उसे हम कवर करने वाले. ठीक है, तो क्या होगा ना, अगर तुम वीडियो देखोगे वीकेंड पर तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पूरे वीक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आ चुकी है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर. क्या क्या पॉलिटिकल जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें, कैसे डेवलपमेंट हुआ है उस न्यूज का पूरे वीक के अंदर. तो आई थिंक अगर तुम पूरे वीक भी तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है ना न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आगे भी कंटिन्यू की जाएगी और क्या क्या बेसिकली चल रहा है करंट अफेयर्स के अंदर. तो आई फील कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि एक एक लेमैन के लिए तो है ही. न्यूज पेपर पढ़ना हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. स्पेशली एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं इतना कह सकती हूँ, आराम से कह सकती हूँ कि करंट अफेयर्स एक प्लस पॉइंट है, तुम्हें पता होना चाहिए. क्योंकि यार तुम्हें अगर नहीं पता है चीजों के बारे में तो तुम अपना स्टैंड कैसे लोगे, अपनी ओपिनियन को वॉइस कैसे दोगे. ठीक है, तो चीजों के बारे में पता होने से तुम्हारी जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन होती है, तुम्हारे ओपिनियंस जो है वो स्ट्रांग होते हैं चीजों के बारे में, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है. तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए. और अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जीके या करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन है, जैसे जो तुम्हारा सीवीटी होता है उसके अंदर भी जनरल टेस्ट जो है उसके अंदर जीके और करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन है, तो आई थिंक उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो जिन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है न्यूज पेपर पढ़ने का और वो चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा अवेयरनेस हो चीजों के बारे में. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली. और आज का जो न्यूज पेपर है, मतलब जो आज का वीडियो है, उसके अंदर हम लोग 22 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक की इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो कवर करने वाले हैं. ऐसे ही आगे की वीडियोस भी होंगे जिसके अंदर हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू न्यूज पेपर में आ चुके हैं उसे कवर करेंगे. ठीक है, तो विदाउट मच रूम लेट्स बिगिन विद आवर थिंग्स. तो सबसे पहले जो न्यूज है वो है कि नायडू सेज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू प्यूरिफाई तिरुमला टेम्पल. देखो, प्यूरिफाई तिरुमला टेम्पल, सी जब ऐसे कुछ कोटेशन में वर्ड यूज करे होते हैं ना, सो बेसिकली जो नायडू है यहाँ के जो पॉलिटिशियन जो है सीएम जो है उन्होंने ये जो कमेंट करा है कि हम प्यूरिफाई करेंगे. सो प्यूरिफाई किस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ. ये जो लड्डूज है ना जो प्रसाद की तरह तिरुमला टेम्पल में यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनके जो घी है उसको अडल्ट्रेटेड पाया गया है. तो बस ये नायडू यही कह रहे हैं कि हम जो है प्यूरिफाई करेंगे तिरुमला टेम्पल, इन द सेंस कि हम ये अडल्ट्रेशन वगैरह हटाएंगे, इसकी पूरी चेकिंग होगी कि कैसे कैसे करना है. तो देखो, ये न्यूज तो मतलब कह सकते हैं कि इतनी भी इसको इतनी भी हाईलाइट देने की जरूरत नहीं है, पर सिंस कि बहुत लार्ज स्केल पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम देख सकते हैं कि अडल्ट्रेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर इतना डीपली रूटेड है. तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके नॉर्म्स बनाने चाहिए. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. स्पेशली ये तिरुमला टेम्पल में होना बहुत पॉलिटिकली एक कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंडा भी बन चुका है पार्टीज का, जो हम देखेंगे कि कैसे कैसे पूरे वीक में हमें पता चला कि कैसे ये इश्यू जो है वो इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है और कैसे दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा सेम सिमिलर टाइप का सिचुएशन पाया गया है. जैसे महाराष्ट्र में भी टेम्पल के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर रैट्स जो है वो प्रसाद के आसपास है. तो ये कैसे एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा भी बन जाता है और ये भी हाईलाइट करता है कि कितना ज्यादा अडल्ट्रेशन है. तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी. अब चलते हैं आगे सेकेंड हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उस पर. तो ये है कि ICGA फाउंडेशन लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी. देखो, ये एक बेसिकली डेटा कह सकते हो, डेटा सोर्स होगा तुम्हारा जिसके अंदर
जो इंडियन कैंसर जीनोम एटलस फाउंडेशन जो है उन्होंने लॉन्च करा एक पोर्टल जिसके अंदर क्या है कि दैट एक्सपेक्ट्स टू बी अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इन्होंने आईसीजी जो फाउंडेशन है उन्होंने ये लॉन्च करा है। सी देखो बहुत प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम इसलिए चीजों में सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। तो ये रिपोजिटरी को लॉन्च करने का फायदा ये भी होगा कि जो रिसर्चर्स हैं जो साइंटिस्ट हैं जो डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में बहुत मतलब होता है ना बहुत टाइम से काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स वगैरह हैं तो उन्हें बहुत हेल्प होगी क्योंकि सारा अगर डेटा हमें मिल जाता है तो थोड़ी चीजों को फिगर आउट करने में इजी रहता है। तो बेसिकली तुम्हें इतना ध्यान में रखना है कि आईसीजीए फाउंडेशन जो है इन्होंने एक लॉन्च करा है पोर्टल जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी एक है। तो इससे आगे कैंसर को या कैंसर पे रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बस इतना ही आई थिंक इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ज्यादा वो मतलब दिमाग के अंदर रखने वाली बात नहीं। क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है अगर तुम किसी एस्पिरेंट कोई एस्पिरेंट हो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो कि किस फाउंडेशन ने कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी लॉन्च करी है तो वो होगा आईसीजीए फाउंडेशन। तो आईसीजीए फाउंडेशन जो है उसके अंदर तुम उसके सीईओ का नाम ध्यान में रख सकते हो जो नाम है इनका सुवेरा धो। तो बस ये याद रख लो आई थिंक इससे ज्यादा इसके अंदर ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है तो अब अतिशी टेक्स ओथ एज न्यू सीएम ऑफ दिल्ली। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्यों जो है अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट छोड़ी है और किस सिचुएशन में इन्हें जो है वो बनाया गया है। पहले इनकी मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो उनके अंडर थी ये जो इनका मेन काम था पहले। अब जो है इन्होंने सीएम की पोस्ट के लिए जो है वो अब ये है सीएम मतलब दिल्ली की जो अब न्यू सीएम है वो अतिशी जी ही है और ये थर्ड वुमेन बनी है इन दिल्ली। तो मुझे ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो पहली दो वुमेन चीफ मिनिस्टर्स थी वो दिल्ली की कौन सी थी। तो और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि 17th वुमेन सीएम बनी है इंडिया की और थर्ड वुमेन सीएम जो है वो बनी है ये दिल्ली की। ठीक है तो मुझे बस इतना जानना है कमेंट सेक्शन में बताना कि जो पहली फर्स्ट और सेकंड दिल्ली वुमेन सीएम है वो कौन थी। ठीक है तो ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि जानना कि थर्ड है ये 17th वुमेन सीएम बनी। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह टू बी नेक्स्ट एयरफोर्स चीफ। तो ये जो है अमरप्रीत सिंह जो है वो बने हैं हमारे एयरफोर्स चीफ। तो अब ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये पहले क्या इनकी पोस्ट थी। तो ये वाइस चीफ थे और इन्होंने जो पोस्ट ली है वो बी आर चौधरी जी से ली है। तो अब मुझे इतना जानना है कि ये एक तो ये बताओ कि ये जो है वो एयरफोर्स डे जो है हमारा वो कौन सी डेट को आता है सबसे इम्पोर्टेंट ये। और उसके बाद ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना कि ये जो है वो कौन से नंबर के इनका मतलब ये कौन से नंबर के जो है वो ये बने हैं एयर मार्शल। ये इम्पोर्टेंट दो चीज रहेगी इस न्यूज के अराउंड तो ये जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो न्यूज है हमारी वो ये है कि लेफ्ट लीडर डिसनायके श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट। आई एम नॉट श्योर कि इनका नाम का जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है तो अगर आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो ये बेसिकली अभी आए हैं न्यू प्रेसिडेंट के फॉर्म में। इनका जो इलेक्शन हुआ था सबसे ज्यादा इनको वोट्स मिले हैं। तो जो हमारे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे यानी कि जो पहले सर्व कर रहे थे उनका नाम था रानिल विक्रम सिंघे। तो अब जो है इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया इनसे पोस्ट ले चुके हैं। ये जो है वो 10th नंबर के जो है वो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। यूजुअली श्रीलंका इंडिया के रिलेशन काफी डिसेंट से रहे हैं एटलीस्ट फॉर अ डेकेड। तो अभी तो काफी मतलब ठीक ठीक से हैं रिलेशंस। अब देखते हैं कि इनकी जो प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो है हमारा क्या रहता है। तो यही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि ये जो है इन्होंने न्यू प्रेसिडेंट है अभी श्रीलंका के। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कौन से नंबर के हैं 10th नंबर के हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि इन्होंने कितने परसेंटेज वोट जीते हैं वो 42.31% है यानी कि 50% से कम है। बट या मेजोरिटी लोगों ने इन्होंने वोट करा है द मैक्सिमम परसेंटेजेस के सुन ली तो इसलिए इनको जो है ये जीते हैं इलेक्शंस। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि मुझे ये बताओ कि श्रीलंका के जो दो कैपिटल्स है राइट। तो एक तो ये तुम्हें दिख ही रहा है कोलंबो। ठीक है तो ये एक जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ कि दूसरी कैपिटल जो है श्रीलंका की जिसे ये लोग लेजिस्लेटिव कैपिटल बोलते हैं वो कौन सी सिटी है। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड लॉन्चेस मैरिटाइम हेल्थ इनिशिएटिव्स।
कंडेम्स अग्रेशन डिस्प्यूटेड रीजन्स। देखो ये मैंने न्यूज प्राइमरीली इसीलिए ली है क्योंकि तुम्हें क्वाड के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्वाड एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि चार कंट्रीज का जो है वो ग्रुपिंग है। अब कौन सी कंट्रीज है तो हम देखो लीडर से फिगर आउट करते हैं कि कौन कौन है। एंथनी अल्बनीज डिपिक करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। नरेंद्र मोदी ऑफकोर्स इंडिया, जो बाइडन ऑफकोर्स यूएस, और फुमियो किशिदा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जापान को। तो ये जो चार कंट्रीज का ग्रुपिंग है इसे हम क्वाड बोलते हैं। क्वाड एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जो हम मैरिटाइम रिलेशंस को और जो भी प्रॉब्लम्स पोज कर रहा है रशिया या मतलब फॉर दैट मैटर चाइना ऑल्सो, तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए और कैसे जो है हम जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके, चार जो कंट्रीज हैं ये मिलकर के ये काम करती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैत्री वर्कशॉप जो इंट्रोड्यूस करी गई थी, सो दिस इज अ मैरिटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये याद रख लो, ये इम्पोर्टेंट है कि मैरिटाइम इनिशिएटिव है फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक टू ट्रेन क्वाड पार्टनर्स टू मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वाटर्स, इन्फोर्स देयर लॉस एंड डिटर अनलॉफुल बिहेवियर, ठीक है। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट मैत्री वर्कशॉप इन 2025। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है क्वाड के अंदर, तो ध्यान में रखना कि एक जो है ये अभी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी यहाँ पर आपके यूएस में, विच इज द प्लेस इज कॉल्ड एज विलिंगटन डेलावेयर, ठीक है। तो विलिंगटन डेलावेयर ये याद रख लेना, विलिंगटन तो याद रख लो, ये डेलावेयर तो इट्स ओके याद रहे तो ठीक है। अदरवाइज यूएस में होस्ट करा गया था इसको। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है क्योंकि सिर्फ देखो कहीं पर भी तुम कहीं भी न्यूज में क्वाड या कोई भी ऐसी ग्रुपिंग पढ़ो तो वो न्यूज हमेशा इम्पोर्टेंट ही होती है, तो उसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया करो। तो इसके अंदर चार कंट्रीज के नाम याद कर लो और क्यों बनाई गई है, क्या इनिशिएटिव लिया गया है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। आप बस कमेंट सेक्शन के अंदर इस न्यूज से ये क्वेश्चन है कि क्वाड जो है वो कब बना था, ठीक है, ईयर बता देना बस, और मुझे कुछ जाना नहीं इम्पोर्टेंट। बट क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्वाड जो है, देखो एक बहुत पुराना नहीं है ये क्वाड, ये चाइना की बेसिकली चाइना जो मतलब हरकतें कर रहा है ना उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, और साथ में जब हम सारे साथ में आ जाते हैं तो वो डेफिनेटली एक अच्छा ग्रुपिंग बन जाती है, और साथ सबकी स्ट्रेंथ कंबाइन करके थोड़ा हम अच्छे हो जाते हैं चाइना को फेस करने के लिए। तो इसलिए क्वाड बनाया गया था, ठीक है, जो इनका चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वगैरह वगैरह काउंटर करने के लिए, तो इसीलिए बनाया गया था क्वाड। इट्स अ वेरी रीसेंट थिंग, मतलब वेरी रीसेंट तो नहीं बट हाँ रीसेंट चीज है। तो बता देना कौन से ईयर में बना था कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना प्लीज इसके आंसर कॉमेंट सेक्शन में जो है वो दे देना, ठीक है। और फिर जो मैं करेक्ट आंसर्स होंगे वो मैं पिन कर दूंगी, या फिर मैं खुद भी जो है कॉमेंट कर दूंगी, ठीक है। सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन टीम बैग गोल्ड, मेक हिस्ट्री एट चेस ओलंपियाड। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले तो ये बता दो कि 45th चेस ओलंपियाड हुआ था जिसके अंदर जो है इंडियन टीम को गोल्ड मिला है, विच इज अ वेरी 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 प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। तो इसके अंदर जो स्टार प्लेयर्स है वो थोड़ा नाम याद रख लो, जो ऑफकोर्स डी गुकेश है, दिव्या देशमुख है, अलॉन्ग विथ अर्जुन, फिर ये जो है वंतिका, इन सबके जो नाम है आप याद रख सकते हो। फर्स्ट नेम्स या पूरे नाम भी याद रखो तो अच्छा ही है। मैं क्योंकि फर्स्ट नेम्स याद कर लेती हूँ क्योंकि सब थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, ये सारे नाम जो है वो इधर भी लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा देख लेना कि जो चेस ओलम्पियाड है वो सबसे पहले तो कहाँ जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये ऑर्गेनाइज करा गया था तुम्हारा हंगरी बूडापेस्ट में, तो इधर लिखा हुआ भी है देख लो, ठीक है। और इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है वो तो डेफिनेटली इंडिया की ही रही है, और इसका जो पहला यानी कि जो हर 2 साल में ऑर्गेनाइज करा जाता है, जो जो पिछली बार हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, और जो आने वाला है वो ताशकंद के अंदर होगा, ये 45th नंबर का था। तो बस इंडिया ने मेंस में भी और वुमेन्स में भी दोनों कैटेगरीज के अंदर गोल्ड पोजिशन जो है वो सिक्योर करी है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, तो तुम बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आगे बढ़ते हैं। वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल इज एन ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट। ये देखो ये है ना टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट चीजों पे क्लैरिटी देता रहता है, तो अगेन इन्होंने क्लैरिटी दी है कि क्या क्या जो चीजें हैं वो पॉक्सो जो तुम्हारा एक्ट है उसके अंदर आती हैं। तो
तो इसके अंदर इन्होंने बोला है कि व्यूइंग इन प्राइवेट, डाउनलोडिंग, ये सारी जो चीजें हैं ये पॉक्सो एक्ट के अंदर जो है वो आई जाएगी। ये जो क्लैरिफिकेशन जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन पर दिया गया है, जो इन्होंने कहा था कि मेयर पोजेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल वॉज नॉट नॉट इन्होंने बोला नॉट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, कि कोई भी विजुअल डिपिक्शन जो हो रहा है वो आएगा पॉक्सो के अंदर, एंड दिस इज दिस विल बी एन ऑफेंस अंडर पॉक्सो। तो एक इम्पोर्टेंट कह सकते हो माइलस्टोन है, जो अच्छा एक जजमेंट दिया है, अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग। और देखो चीजों पर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जो जजमेंट्स होते हैं, रूलिंग होती है, वो आर्बिट्ररी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी मैटर्स पर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी। ये देखो बेसिकली इसके अंदर कुछ क्वेश्चन तो एज सच इस पर्टिकुलर न्यूज से तो नहीं आ सकता, बट हाँ पॉक्सो एक्ट से आ सकता है कि क्या क्या तुम्हें ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो एम्बिट में आती है पॉक्सो एक्ट की, क्या क्या चीजें जो है वो पॉक्सो एक्ट कवर करता है। तुम्हें ध्यान रखना है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बाद वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज जो है वो भी एक ऑफेंस मतलब जो है वो मानना जो है वो गया है। और ये तुम ध्यान रख सकते हो कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके अगेंस्ट ये क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश करा है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान रखना कि पॉक्सो एक्ट का जो अब स्कोप है वो वाइड हो चुका है, ब्रॉडन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 356 किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान, ठीक है। ये वन ऑफ द कह सकते हो मोस्ट मतलब होता है ना डेवेस्टेटिंग स्ट्राइक है जो इसराइल ने कंडक्ट कराई है लेबनन के ऊपर। लेबनन का जो है कैपिटल ध्यान रख लो ये बीरत लिखा हुआ है, और बेसिकली 356 लोग अगर मारे गए हैं तो एक बहुत ही कह सकते हो बहुत ही डेवेस्टेटिंग डिस्ट्रॉय करने वाली चीजों को वैसे ही स्ट्राइक करना करवाई गई थी। अब देखो ये लेबनन और इसराइल का तो अलग ही चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन का चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। इसराइल लेबनन का भी अलग चल रहा है। तुमने थोड़ा टाइम पहले जो पेजर से रिलेटेड न्यूज थी वो भी सुना होगा कि कैसे जो हजबोला जो है यहाँ पे, देखो हजबोला इट्स लाइक हजबोला जो है वो लेबनन से एसोसिएटेड है, एक कह सकते हो मिलिटेंट ग्रुप भी है जो कि मिलिटेंट ग्रुप की तरह भी एक्ट करता है। और गवर्नमेंट भी जो है वो हजबोला की भी एक्चुअल में जो है वो एक कह सकते हो ब्रांचेस है, एक ब्रांच है जो गवर्नमेंट को चला रही है वहां पर लेबनन के अंदर, और उसी की एक ब्रांच है, एक मिलिटेंट ग्रुप भी है जो अटैक्स वगैरह करवाती है। तो बेसिकली हजबुल्ला और इसराइल में ये बहुत चलता रहता है, क्योंकि ये भी बहुत इंटरफेयर करता है इसराइल के चीजों में, और फिर इसराइल जो है वो हर चीज मतलब उसका इसराइल भी बहुत अग्रेसिव हो रहा है आजकल, तो ये जो स्ट्राइक्स है वो इसका क्लियर जीता जाता है एग्जाम्पल है। सो ये देख सकते हो कि डेडलीएस्ट डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ये, और ये सबसे ज्यादा इतने लोग मारे गए थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेबनन की कैपिटल क्या है ये इंपॉर्टेंट है, हिजबुल्ला क्या है, क्या मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है, कि हिजबुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है या नहीं है, गवर्नमेंट किसकी है लेबनन में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो पेजर वाला इंसिडेंट था, विच इज लाइक पेजर वाली तो चीजें ऐसी थी कि कैसे ही कंडक्ट भी करवाया गया वो भी अभी तक फिगर आउट नहीं हो पा रहा है। तो जो पेजर से रिलेटेड अटैक था, अगर टाइम मिले तो जरूर थोड़ा सा देखना कि क्या हुआ था, कौन सी कंपनी ने पेजर्स बनाए थे, किस कंट्री से आउटसोर्स हुए थे, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे ना कि कौन सी कंपनी ने बनाया वगैरह, बट हाँ डेफिनेटली एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तुम डेफिनेटली रीड कर सकते हो। सेंटर्स केक टू रिव्यू स्कोप ऑफ अफ्सपा इन मणिपुर, तो ये न्यूज मैंने बस इसीलिए ली है तुम्हें ये बताने के लिए कि अफ्सपा क्या है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, इस एक्ट के अंदर क्या होता है ना कि जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्हें स्पेशल पावर्स दे दी जाती है टू मेक अरेस्ट, टू एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स विच आर नॉट यूजुअली गिवन टू देम। तो क्या हो रहा है ना कि मणिपुर वगैरह जैसे स्टेट्स में थोड़ी इंसर्जेंसी हो जाती है, इस वजह से ये जो अफ्सपा जो एक्ट है वो लाया गया था ताकि ये सारी जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट कर सके ये आर्म फोर्सेस। पर अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना कि लास्ट ईयर भी तुमने देखा होगा कि इस पे बहुत ज्यादा वो था ना अप्रोर था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अफ्सपा जो है वो बैन करो, क्योंकि बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके थे जो कि जो दिखा रहे थे कि अफ्सपा का मिसयूज किस एक्सटेंट तक हो रहा है और लोग कैसे इस प्रॉब्लम से जो है वो सफर कर रहे हैं। तो
तो अब ये हो रहा है कि सेंटर स्टेट जो है वो रिव्यू करेंगे कि मणिपुर में अफ्सपा जो है लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। जो ये अफ्सपा का जो स्कोप है वो बेसिकली ये तुम्हारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना उसी में है, तो क्या करना चाहिए अफ्सपा का, तो इसके रिलेटेड जो है डिस्कशंस होंगे एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि फाइनली होता क्या है। ठीक है, तो ये था अफ्सपा के बारे में, एक मैंने बेसिक आइडिया दिया है कि अफ्सपा होता क्या है। ज्यादा डिटेल में अगर तुम पढ़ना है तो तुम डेफिनेटली देख सकते हो, बट अफ्सपा एक ऐसी चीज है तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अफ्सपा एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें खुद बोल रहा है कि तुम ये सारी चीजें कर सकते हो विच आर नॉट मतलब विच आर नॉट इन द नॉर्मल डोमेन ऑफ वी सिक्योरिटी फोर्सेस, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने एक शॉर्ट जो है ब्रीफ में समझा दिया है, तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट लगे तो तुम डेफिनेटली इस पे देख सकते हो। ठीक है, अब आगे लापता लेडीज इज इंडिया एंट्री फॉर ऑस्कर्स, तो ये ध्यान में रखना कि कौन सी जो मूवी इंडिया ने भेजी है फॉर ऑस्कर्स, और बताना कि लापता लेडीज कितनी हद तक सही डिसीजन है और क्या कोई बेटर फिल्म जा सकती थी, और ये सारी चीजें हैं। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया की एंट्री कौन सी है लापता लेडीज, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना सही डिसीजन है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज है, टू नेवी ऑफिसर्स टू सेल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन अक्टूबर 2। तो इस एडिशन का नाम है नाविका सागर परिक्रमा, ये सेकेंड एडिशन है। इसके अंदर दो वुमेन जो है वो जा रही है, एक का नाम है दिलना की और एक का नाम है रूपा ये। तो ये ध्यान में रखना कि दोनों का नाम क्या है। ये जो है जो वेसल यूज होगी इसके अंदर वो उसका नाम है INS मंडोवी। तो इसके अंदर आई थिंक यही इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंड एडिशन है, नाविका सागर परिक्रमा, दोनों के नाम याद कर लो। और ये जो है INS मंडोवी से यूज करके ये लोग जाएंगे 2 अक्टूबर तक। देखो वैसे ये भी ध्यान रख सकते हो कि इतने नॉटिकल माइल्स कवर होंगे वगैरह वगैरह, बट आई थिंक इतना सफिशियंट है। नाम कौन से वेसल यूज होगा और इस एडिशन का नाम क्या है। ठीक है, झारखंड असेंबली पोल विल बी हेल्ड ऑन टाइम से CEC राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जी जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज बस इतनी ही है कि ये तीन लोग कौन है, तो ये तीन लोग जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो राजीव कुमार, फिर ज्ञानेश कुमार जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है, तीसरे जो इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुखबीर सिंह संधू। तो ये ध्यान में रखना कि तीनों का नाम क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, सिंस इलेक्शन का सीजन है, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, तो थोड़ी सी ये न्यूज भी जाननी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉमेंट सेक्शन में बताना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। देखो दोनों बॉडीज में डिफरेंस होता है। स्टैचुटरी बॉडी एक लॉ, पहले लॉ आता है, लॉ के थ्रू बनाई जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन से टाइप की बॉडी है। देखो थोड़ा सा मैं इलेक्शन कमीशन, अब क्योंकि ये बात आ ही गई है तो मैं बता देती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे, ये तीन लोग हैं वो कैसे जो है नॉमिनेट हुए हैं। ये क्योंकि ना बहुत पिछले साल बहुत इस बात पर अपलोड हुई थी कि कैसे इनका नॉमिनेशन है वगैरह वगैरह, पर पहले क्या होता था ना कि एक प्राइम मिनिस्टर होते थे जो अपॉइंट करते थे, तीन लोगों की बेसिकली कमिटी के थ्रू ही अपॉइंट हुए जाते थे। एक तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता था, फिर एक प्राइम मिनिस्टर होता था और CJI करते थे। ठीक है, फिर इन्होंने एक लॉ लेके आए जिसके अंदर CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया और बोला कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंट, प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट करेगा वो मेंबर। तो इन शॉर्ट क्या होता था कि 2:1 का रेशियो बन रहा था कि दो लोग जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर और जो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर वो हो जाएगा, और एक जो है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जब भी अपॉइंट करना होगा, अब 2:1 है तो ऑफकोर्स मेजोरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होगी। तो एक तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही पार्टी एक तरीके से इन लोगों को अपॉइंट कर रही है, तो थोड़ा बायसनेस हो जाएगी वगैरह वगैरह। पर तब बहुत वो हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, बट अभी बात जो है वो दब चुकी है और फाइनली अब ये लोग ही है इलेक्शन कमिश्नर, सो दिस इज द ट्रूथ। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों था और ये किस रिगार्ड्स में या किस कॉन्टेक्स्ट में गलत है, तो ये एक चीज है। तो बेसिकली CJI ने ही बोला था कि जो है, मतलब कोर्ट ने ही रूलिंग पास करी थी कि CJI होना चाहिए, बट अगेन फिर गवर्नमेंट एक लॉ लेके आ गई, एक एक्ट पास कर दिया, तो अगेन फिर से ये जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ओरिएंटेड या बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उससे ओरिएंटेड हो गया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वाई द फैक्ट चेकिंग यूनिट वॉज इनवैलिडेटेड। फैक्ट चेकिंग यूनिट क्या था मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो इस पे तो ऐसा कोई ज्यादा
जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, बट हाँ सब्जेक्टिव चीज में हम ये बोल सकते हैं कि ये फैक्ट चेकिंग यूनिट है क्या। तो फैक्ट चेकिंग यूनिट ये है कि इन्होंने बोला था कि एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रूल्स 2021 के अंदर, जिसके अंदर था फैक्ट चेकिंग यूनिट होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी, जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज गलत है तो वो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो फैक्ट चेकिंग यूनिट ये था कि जो भी थोड़ा होता है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनरूली कंटेंट या फॉल्स मिसलीडिंग कंटेंट, जैसे इन्होंने लिखा भी है, वो उसको एलिमिनेट कर देंगे। पर ये जो है इन्होंने बोला, जो कोर्ट में जब ये बात गई तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दिस इज नॉट अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप इन द एरा वेयर वी प्रमोट फ्री प्रेस एंड फ्रीडम। तो इसमें क्या होगा ना कि गवर्नमेंट अपने जो प्रो गवर्नमेंट स्टांसेस है उन्हें प्रमोट करेगी, पर जो एंटी गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट की रियलिटी एक्सपोज करने वाली चीजें उसे एलिमिनेट कर देगी। तो इस डर से कोर्ट ने ये चीज जो इनवैलिडेट कर दी है कि कोई भी ऐसा जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है जो आप लेके आए हो आईटी रूल्स में वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। गुड बिगिनिंग सेज इंडिया ऑन यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट। देखो सबसे पहले इनका नाम बता देती हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री नाम है इनका। और ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट। यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट में पता होगा कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट, कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं और कुछ जो है वो उनका कुछ टेम्पररी होते हैं जिनका जो है पूरा जो टेन्योर है वो मतलब होता है ना कि ऐसे रोल तब से स्विच होता रहता है, राइट। तो 10 जो मेंबर्स, देखो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं यूएनएससी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पररी होते हैं, और 10 टेम्पररी जो है वो चेंज होते रहते हैं। और ये जो 5 होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के जो 10 है उनका इतना वो चलता नहीं है, ठीक है। तो अब इंडिया ये कह रही थी कि इनको भी जो ये 5 वाली कैटेगरी के अंदर आना है, तो इस बारे में जो बातें चल रही है वही है ये रिफॉर्म डॉक्यूमेंट जिसका नाम है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। तो बस इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विक्रम मिश्री, ये जो पैक्ट ऑफ द फ्यूचर है वो किससे रिलेटेड है, और ये रिफॉर्म ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों है, ताकि देखो परमानेंट मेंबर जब बना ना इंडिया तो इंडिया की भी बहुत चलेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अब ये जो 5 मेंबर्स है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि 5 मेंबर्स कौन कौन है। तो ये जो 5 हमारे मेंबर्स है वो है यूएस, यूके, चाइना, रशिया और तुम्हारा ये फ्रांस। तो ये जो 5 ये हैं, ये इसमें अगर तुम देखोगे कि ये चीज आ जाती है कि चीज होती है वीटो करना। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनमें से कोई एक भी कंट्री ऐसा हो जो वीटो कर दे किसी रेजोल्यूशन को, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। इस चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं होते हैं। तो क्या होता है ना कि सारी पूरे ग्लोब का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो बहुत जरूरी है कि इसको जो है, जो ये टेम्पररी मेंबर्स जो है या फिर नॉन परमानेंट मेंबर जो है 10, इनको भी थोड़ा स्टेटस दिया जाए। तो बस यही जो है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर में बात की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 57% टर्नआउट इन पीसफुल फेस टू पोलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं आफ्टर दी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो इसके अंदर बता रहे 57% टर्नआउट है, विच इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप और वेरी ऑप्टिमिस्टिक थिंग विच हैज हैपेंड। पर अब तुम देखोगे कुछ कुछ जगहों पर बहुत जो है वो कम है, जैसे श्रीनगर में सिर्फ बताया है कि कम हुआ है काफी श्रीनगर में, ठीक है, फ्रॉम दी 27% इन द 2014 असेंबली इलेक्शंस। तो ये सारी चीजें असेंबली इलेक्शंस हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए, पीसफुल हुआ है, कोई कह सकते हैं ना कुछ दंगे वगैरह टाइप के नहीं हुए, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड इलेक्शन जो है वो पीसफुली हो चुके हैं। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था तो मैंने सोचा इंक्लूड कर लेती हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए आर्टिकल 370 जो है वो कब गया, क्या था आर्टिकल 370। इस पे एक मूवी भी आई हुई है, तो अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ने का मन नहीं है तो मूवी भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, तो देख लेना ये सारी चीजें। गवर्नमेंट न्यूज ओवर सेंडिंग जयशंकर फॉर एससीओ मीट इन पाकिस्तान। तो देखो सबसे पहले एससीओ क्या है वो पता होना चाहिए, ग्रुपिंग है जो चाइना और बहुत सारी कंट्रीज के साथ, इंडिया पाकिस्तान भी है जिसके अंदर, वो ग्रुपिंग है फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इन सारी चीजों के लिए। तो अब गवर्नमेंट सोच रही है कि हमें एस जयशंकर जो है उन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। पर एससीओ मीट हर साल जो है वेन्यू अलग अलग होता है, इसीलिए इस बार जो वेन्यू है वो है इस्लामाबाद।
तो अब ये है कि पाकिस्तान में भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि देखो यूजुअली ही जो मीटिंग्स है वो प्राइम मिनिस्टर्स अटेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे नेशन के। पर क्योंकि ये मीटिंग जो है वो पाकिस्तान के हो रही है और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे हैं नहीं, और तुम्हें पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर्स को एक दूसरे नेशंस में नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और प्राइम मिनिस्टर्स को तो एटलीस्ट हम नहीं भेजते हैं। और तुम्हें अगर पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे क्या हुआ था, तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हम जो है मोदी जी को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान इन एनी सिचुएशन। तो अब ये है कि एस जयशंकर को भेजे या नहीं भेजे। SCO क्या है? देखो SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जिसका जो ऑब्जेक्टिव यही है कि रीजनल कोऑपरेशन। बहुत सारी कंट्रीज है इसके अंदर, ये 2001 के अंदर बनी थी, अब काफी टाइम हो चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए। पहले इसके अंदर 5 कंट्रीज थी, अब काफी सारी हो चुकी है, इसके अंदर ऑब्जर्वर नेशंस भी होते हैं। तो जब ये मीटिंग होगी तब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते। इंडिया शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। देखो रशिया, इसको मैंने ये लिया है कि इंडिया का क्या रोल है मीडिएटर बनने में रशिया और यूक्रेन के। देखो रशिया यूक्रेन में कितने टाइम से अभी चल ही रहा है, ये जो उनके बीच में जो वॉर है जो टेंशन है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एंड मतलब जो कि दोनों नेशंस के लिए बहुत बुरा है। तो इंडिया एक मीडिएटर की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है इनमें पीस रखने के लिए, और ताकि जो वॉर है ये खत्म हो जाए और एक म्यूचुअल कोऑपरेटिव अग्रीमेंट पे लोग पहुंच जाए। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ था, नाटो का क्या रोल है इसके अंदर, ये थोड़ी चीजें हैं जो बैकग्राउंड है इसका रशिया यूक्रेन क्राइसिस का तो पता होना चाहिए। कौन सा ऑपरेशन, देखो अभी के लिए क्वेश्चन में ये है इस न्यूज से कि उस ऑपरेशन का नाम बताओ जिसके अंदर इंडिया ने जो है यूक्रेन से अपने सिटीजन्स को निकाला था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है ये जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऑपरेशन का नाम क्या था, ठीक है। और अगर रशिया यूक्रेन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये हुआ था कि यूक्रेन जो है वो नेटो के साथ जो है वो जुड़ने की कोशिश कर रहा था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और जो रशिया को बिल्कुल जो है वो जम नहीं रहा था। तो इन्होंने पहले कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह पर अटैक करा, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वॉर जो है एस्केलेट होते होते अब बहुत टाइम हो गया है, इस वॉर को भी खत्म नहीं हो रहा है वॉर। तो ये बहुत अब आई थिंक ओवर 2 ईयर्स तो हो गए हैं इस वॉर को, तो अब ये वॉर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, इसमें ही सारे लोगों का भलाई है इसके अंदर। और इंडिया का जो रोल है बहुत न्यूट्रल रोल है, वो रशिया के साथ भी ज्यादा ना रशिया को ज्यादा फेवर करता है ना यूक्रेन को ज्यादा फेवर करता है, बस इतना बोलता है कि भाई तुम पीस पे आ जाओ, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट दिस न्यूज। ये ऑपरेशन का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूएस फाइल $100 मिलियन क्लेम ओवर बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स। तो ब्रिज कोलैप्स हुआ था जिसके अंदर काफी लोगों की जान जो है वो गई थी, तो इसके अंदर ये था कि पूरा अवॉइडेबल था, ये ट्रेजेडी अवॉइडेबल थी, फिर भी ये केस हुआ था। तो इसके लिए जो यूएस ने बोला है कि भाई 100 मिलियन जो है क्लेम आपको इस कंपनी के अगेंस्ट फाइल करा है, तो ये क्लेम ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और आपकी गलतियों की वजह से हमें सफर करना पड़ा। तो दैट वाज इट। ये ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन तुम यहाँ से पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि जो कंपनी है उसका नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है ये ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड एंड सिनर्जी मरीन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनीज का नाम याद रखना कि क्या नाम था, और जो कंटेनर शिप डेली है इसका भी नाम याद रख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना कि कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें, इस पार्टीज इन्वॉल्व का नाम याद रख लो और कितना क्लेम है उसका अमाउंट जो है वो नाम याद रख सकते हो, बस इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लीगल डेफिनेटली चीजें इन्वॉल्व है, तो अगर तुम अगर लॉ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, अवॉइडेबल किस सिचुएशन में हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर तुम किसी लॉ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली जरूर जरूर देखना कि अवॉइडेबल था या नहीं था, और ये जो क्लेम लगाया वो किस हद तक सही है, कितना चांसेस है इसके सक्सेस होने के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ब्रेसेस फॉर ट्रांजिशनल प्लान एज IMF फोरकास्ट 7 बिलियन लोन इन इट्स 24th पेआउट। तो तुम देख सकते हो कि पाकिस्तान की IMF पे रिलायंस किस हद तक बढ़ चुकी है, $7 बिलियन का लोन लिया है, 24th पे आउट है,
देखो आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, तो आईएमएफ जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे कंट्रीज को हेल्प करता है। तो देखो तुमने दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस का नाम सुना होगा, एक तो आईएमएफ और एक होता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक प्राइमरीली उन चीजों के लिए लोन प्रोवाइड करता है या फंड प्रोवाइड करता है जो तुम्हारे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है? जैसे कि जो गंगा एक्शन प्लान है उन सारी चीजों के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को जो है वो लोन प्रोवाइड करा है। पर जब इंडिया की क्राइसिस आई थी ना एलपीजी के टाइम 1991 के टाइम, तब आईएमएफ ने जो है तब इंडिया को लोन प्रोवाइड करा था, क्योंकि तब इंडिया की फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो किसी भी कंट्री की अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसको आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है, और किसी डेवलपमेंट प्लान के लिए अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम वर्ल्ड बैंक के पास जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें वर्ल्ड बैंक के पास जाना है और कब तुम्हें आईएमएफ के पास जाना है। तो अब क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन ठीक नहीं है और 24th पे आउट है, तो तुम देख सकते हो कि पाकिस्तान की कंडीशन किस हद तक खराब हो चुकी है, ठीक है? तो इन्होंने $7 बिलियन का जो है वो लोन मांगा है। तो इस न्यूज का बस इंपॉर्टेंस ये है कि आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए कि आईएमएफ क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी। तो 1945 में स्टैब्लिश हुई थी ये, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में तो मुझे ये बताओ कि आईएमएफ जो है उसमें डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन, ठीक है? डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, और फर्स्ट इन द सेंस कि इन पर्टिकुलर इंसान के लिए ये पोस्ट क्रिएट करी गई थी, ठीक है? तो बहुत जरूरी है जानना कि फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है? और ये इंडियन ओरिजिन की है अलोंग विद द फैक्ट कि ये हमारे जो कॉलेज में है वो लास्ट ईयर आई थी, और इनका इनका ऑरा ऐसा था कि मतलब सारे जो है एक बार देख करके हो गए थे कि सीरियसली उनका जो ग्रेस है उनकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इनका नाम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इनका क्या नाम है। एक हिंट और दे देती हूँ, ये एक वुमेन है, ठीक है? और ये फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की। आगे बढ़ते हैं। एससी रैप्स एयर क्वालिटी पैनल ओवर पोल्यूशन इन कैपिटल। देखो दिल्ली में, ये मैंने बस इस न्यूज इसलिए इंक्लूड करी ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि मैं कुछ मुझे मोर देन एन ईयर हो चुका है दिल्ली में, तो मुझे पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना खराब हो जाता है स्पेशली दिवाली के टाइम पे, कि आप इतना विजिबिलिटी कम हो जाती है कि मतलब सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और अगर ये लोग अभी से सही स्टेप्स नहीं लेंगे ना, तो फिर पोल्यूशन इतना हद तक बढ़ जाएगा कि एक तो हमारी जो छुट्टी है वो एक्सटेंड हो जाती है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हम लोग मास्क पहन के घूमते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ठीक नहीं है। इसके अंदर तुम्हें बस एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक होता है, जब जहां पर भी तुम CAQM पढ़ो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसका फुल फॉर्म, ठीक है? और ये विंटर्स के अंदर कितनी ज्यादा हद तक एग्रीवेट होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जो लोग दिल्ली से हैं या दिल्ली जा चुके हैं तो उन्हें पता है कि भाई कितना बुरी हालत हो जाती है। बस ये एससी ने बोला कि भाई थोड़ा काम कर लो, एयर पोल्यूशन पे भी काम कर लो, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, फिर तुम बोलोगे एक्सीडेंट्स होता है, ये होता है, वो होता है। और स्टबल बर्निंग भी एक इशू है जो कि रोकना चाहिए। हरियाणा वगैरह में तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, हरियाणा पंजाब, जहाँ से स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल बर्निंग अगर नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। स्टबल बर्निंग क्या होता है, जो बेसिकली जो धान होती है या तुम बोल सकते एक तरीके से एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसको जला देते हैं फार्मर्स, तो उसे बोलते हैं स्टबल बर्न, ठीक है? तो उस वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है दिल्ली, क्योंकि बीच में है, तुम देख सकते हो दिल्ली हरियाणा जो है, हरियाणा पंजाब इन सबके बीच में जो हमारा दिल्ली है वो बेचारा फंस जाता है, ठीक है? तो ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए स्टबल बर्निंग को स्टॉप करना चाहिए, फार्मर्स को इंसेंटिव देने चाहिए एंड वगैरह वगैरह, जो कि ये लोग बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करते, पोल्यूशन इतना खराब हो जाएगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं। हैटीवेन मीट पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ लाइकन्स कश्मीर टू पैलेस्टीन। ओ माय गॉड, दिस इज लाइक टू मच। मैंने जब न्यूज में पढ़ी थी मुझे लगा कि यार क्या ही एनालॉजी है इनकी, तो क्या ही इनका थिंकिंग प्रोसेस है। अब ये बोल रहे कि जो कश्मीर में, जो पैलेस्टीन में हो रहा है वो कश्मीर की भी सेम सिचुएशन। कैसे भाई, कैसे मतलब किस हिसाब से कि कश्मीर के लोग बेचारे कैद है, ये वो ये वो, ये सारी चीजें तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है हर जगह कश्मीर को घुसाना। इनको नहीं समझ में आता है कि क्या बात की इंटेंसिटी है, क्या क्या ग्लोबल स्टांस इनको लेना चाहिए। बस अपना बोलना ही नहीं है, बस कश्मीर को घुसाना है हर टाइम पे। तो ये देखो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है ये, तो और कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ, अगर तुम इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे या इनका देखोगे, तुम्हें पता चलेगा इनका इन पे कितने ज्यादा जो है चोरी के और अब्यूज के केसेस हैं। तो देखो इन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट दिस इज रियली अ वेरी इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे क्या बोल रहे हो। तो ये एक चीज है, और बहुत इमेच्योर बातें ये कभी कभी कर लेते हैं, विच इज नॉट राइट। तो आगे बढ़ते हैं।
नेमिंग अरुणाचल पीक आफ्टर सिक्स दलाई लामा इन लीगल नल एंड वॉइड। अब वाओ, चाइना की भी एक अलग ही एनोलॉजी है। वो बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश ऑफकोर्स ये नाम अलग यूज करते हैं, इनका जो स्पेसिफिक नाम दे रखा है इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को। तो हुआ ये था कि इन्होंने जो है हमारी ये जो टीम है इन्होंने जो पर्टिकुलर पीक है अरुणाचल प्रदेश पर इन्होंने वो क्लाइम कर ली और इन्होंने जो उसका नाम दिया वो दलाई लामा के नाम पे जो है दिया, जिनका नाम ये तुम देख सकते हो कि सैंगयांग यात्सो पीक, इस नाम पर जो है जो सिक्स दलाई लामा है उनके नाम पर इन्होंने किया, ठीक है, नाम दे दिया क्योंकि इन्होंने इसको क्लाइम कर दिया था। पर चाइना ये बोल रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमारी जगह को, सो कॉल्ड हमारी जगह को आप अपना नाम नहीं दे सकते। तो ये चाइना का गैन एक प्रोपोगंडा है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का। तो अरुणाचल प्रदेश में जो एक जगह है, अरुणाचल प्रदेश को क्योंकि अपना मानते हैं तो ये सोच रहे हैं कि आप हमारी जगह पर आप अपने आर्बिट्रली आप किसी का नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब दलाई लामा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये तो एक था कि चाइना कैसे अपना क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, दिस वेरी रॉन्ग एंड वेरी इमेच्योर अगेन ऑन देयर पार्ट। अब दलाई लामा कौन होता है? दलाई लामा इज अ पोस्ट, ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत लोगों को होता है कि किसी का नाम है दलाई लामा, दलाई लामा इज नॉट अ नेम, इट्स अ पोस्ट। तो जो दलाई लामा का नाम है वो सैंगयांग ग्यात्सो है। अब सैंगयांग ग्यात्सो का जो नाम इन्होंने रख दिया, पीक का नाम रख दिया, तो इस पर ही कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। तो अभी जो हमारे दलाई लामा है उनका वो जो है उनका 14th, यानी कि वो 14th नंबर के जो है वो दलाई लामा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली, दलाई लामा इज एसोसिएटेड विद तिब्बत, थोड़ा सा देख लेना कि क्या होता है वगैरह वगैरह, तिब्बत को कैसे अनएथिकली इलीगली चाइना ने अक्वायर किया है और क्या जो है वो चीजें कमिट करी जा रही है, कैसे इंडिया की धर्मशाला में जो है, धर्मशाला इज अ जगह है, ठीक है, धर्मशाला इट्स नॉट अ धर्मशाला, इट्स अ जगह है इन हिमाचल प्रदेश, तो एक जगह है, इट्स अ प्लेस। तो वहां पर कैसे जो है दलाई लामा को जो है इंडिया ने रहने के लिए आई मीन एक स्पेस प्रोवाइड करी, एक जगह प्रोवाइड करी है, तो थोड़ा सा तुम उस पर देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यूके बैक्स परमानेंट सीट इन यूएनएससी फॉर इंडिया। यूके जो है मैंने बताया था कि जो पांच मेंबर्स है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, पांच मेंबर्स में एक है यूके, एक है यूएस, एक है आपका फ्रांस, ठीक है, एक है आपका चाइना और एक है आपका रशिया, ठीक है। तो यूके बैक्स परमानेंट सीट है, तो यानी कि जो यूके है वो सपोर्ट कर रहा है कि भैया इंडिया को जो है परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, जो पांच परमानेंट मेंबर्स है उनको एक्सटेंड करो, उनको वो स्कोप है वो बढ़ाओ, और एक नॉन परमानेंट मेंबर से जो कि हर 2 साल में चेंज होते हैं, जो 10 में से जो मतलब मैं बता था ना कि 10 जो होते हैं उनमें से चेंज होते रहते हैं, तो वो हर 2 साल में चेंज होते हैं, तो उनमें से ये इनको ये जगह से देकर कि ये परमानेंट वाली सीट दे दो, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं कि चाइना जो है वो इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के वेलफेयर से रिलेटेड टू बी स्पेसिफिक, या इंडिया का कुछ भी अच्छा कोई रेजोल्यूशन होता है या इंडिया के फेवर में जो कोई रेजोल्यूशन होता है उसको हमेशा चाइना जो है वीटो कर लेता है। यानी कि कभी कभी जो टेररिस्ट भी होते हैं, तुमने कभी आगे सुनोगे आप, क्योंकि तुम अगर न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तो टेररिस्ट को कई बार जो होता है इंडिया डिक्लेयर करना चाह रहा होता है कि ये जो है टेररिस्ट, कैसे जो है वो चाइना टेररिस्ट को सपोर्ट करता है एक तरीके से। अगर तुम्हें याद हो तो रिसेंटली प्रपोजल जो है वो इंडिया लेके आया था यूएनएससी के अंदर कि जो हमारा 26/11 जो मुंबई अटैक्स हुए थे ना उसका एक प्राइम अक्यूज था, उसे बोला कि अक्यूज, एक सेकेंड लिखती हूँ, हाँ, उसे बोला कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो क्लासिफाई कर दो। पर जो है हमारा जो चाइना है वो बोलता है नहीं, ये जो प्रपोजल है उसको चाइना ने वीटो कर दिया, ब्लॉक कर दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। देखो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए था उस टेररिस्ट को, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे याद आ रहा उसका नाम साजिद मिर था, जिसे जो अलकायदा का था उसे जो है वो टेररिस्ट का देना था, ग्लोबल टेररिस्ट का टैग देना था, क्योंकि फिर अगर आप एक बार किसी टेररिस्ट को वो टैग दे देते हो ना तो तुम्हें पता होगा इंटरपोल क्या होता है। देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि सारे एक कोई अगर टेररिस्ट एक कंट्री में कोई ऐसा क्राइम करके दूसरी कंट्री में अगर फ्ली कर देता है और दूसरी कंट्री उसको शेल्टर प्रोवाइड कर देती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस कंट्री को ढूंढ के मतलब उस कंट्री को उस टेररिस्ट को पकड़ना, उसे सजा देना, क्योंकि एक बार वो जब चला जाता है ना कंट्री के बाहर तो अगर दूसरी कंट्री उसे प्रोटेक्ट कर लेती है तो वो कैसे फिर वो कंट्री अपना जो है मतलब क्राइम क्रिमिनल को सजा देगी।
तो जब एक बार ग्लोबल टेरिस्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो इंटरपोल जैसी एजेंसीज जो होती हैं वो मिलकर के उस कंट्री के साथ, उस कंट्री की पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर के काम करती है और उस टेररिस्ट को सजा दिलवाती है। पर एक बार जब उसको टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट का ही अगर आप नहीं देते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी कंट्री को उस क्रिमिनल को सजा देने। ठीक है, तो बस ये जो चाइना है यही हर बार ऐसे करता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंडिया के किसी भी काम में। और एक तरीके से टेररिज्म को, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप ऐसा कोई प्रपोजल ब्लॉक करते हो तो आप ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। और इंडिया के अगेंस्ट जाना चाइना का पता नहीं क्या है, पॉलिसी बन चुकी है। जबकि जब ये पांच, ये हो रहा था ना यूएनएससी में, जब 5 कंट्रीज को ये परमानेंट मेंबर्स का दर्जा मिल रहा था, तो इट वाज लाइक इंडिया चाइना ने, मतलब इंडिया इंडिया और चाइना के पास प्रपोजल आया था, तो इंडिया ने, मतलब ऐसा कहा जाता है कि आई डोंट नो कितनी ट्रूथ है इस बात में, बट ऐसा माना जाता है कि इंडिया ने, मतलब बहुत ही विलिंगली अपना ये जो प्रिविलेज था परमानेंट मेंबर होने का, वो चाइना को दे दिया था, ये कह के कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था, मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिव तो मैं नहीं कहूंगी, बहुत स्टूपिड स्टेप प्रूव हो गया इंडिया के लिए, बहुत स्टूपिड डिसीजन लिया गया। और अब जो है चाइना जो है इंडिया की ही बैंड बजाता है और हर प्रपोजल को ब्लॉक कर देता है। और जो ये 2611 वाला मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली देखा था, एंड दिस इज लाइक अ ब्लैटेंट ब्रीच ऑफ द ग्लोबल प्रिंसिपल्स अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब आगे ब्रिक्स सिग्निफिकेंट फॉर मल्टीपोलैरिटी ग्लोबल डाइवर्सिटी, जयशंकर। तो ब्रिक्स एक ग्रुपिंग अगेन जिसके अंदर कौन सी कंट्रीज आती है वो ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखो सारी कंट्रीज के नाम लिखा हुआ है, और अब कैसे इन्होंने इजिप्ट, इथियोपिया वगैरह को भी इंक्लूड कर लिया है। तो ब्रिक्स जब उसकी मीटिंग होगी तब हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और क्योंकि कब बना था, कैसे बना था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एसोसिएशन का क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इस सारी चीजें हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी जयशंकर ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोला था थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा कि इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि ब्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो इस वाले ना वीक में बहुत सारे, मतलब 3 प्राइमरी ग्रुपिंग्स के नाम की, मतलब जो नाम है वो आए सामने। एक तो ब्रिक्स हो गया, एक एससीओ हो गया और एक यूएनएससी हो गया, जिसके अंदर यूएनएससी बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी एससीओ ब्रिक्स जो है वो हमारे एशियन ग्रुपिंग्स ही है, तो तुम देख सकते हो उसके बारे में। तो आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली है जो भी इस वीक के अंदर फ्लैश हुई थी हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर। तुम्हें लगता है कि अगर कोई और टॉपिक जो मैंने छोड़ दिया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं उसको नेक्स्ट, मतलब तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कवर कर लूंगी। और भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये करेक्शन करनी चाहिए, फॉर्मेट में ये चेंज करना चाहिए, तो ये भी तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो और ये बताना कि मेरा इनिशिएटिव जो है वो कैसा लगा, मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ सही जा रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं प्रेजेंटेशन, ये जो पीपीटी है जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स जो अटैच कर रखी है न्यूज़पेपर की, वो तुम्हें चाहिए, तो वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी या कमेंट पे प्रिंट कर दूंगी, तो वो सारी चीजें भी बता देना। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सॉरी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।